सीएम भजनलाल शर्मा ने किया जयपुर का दौरा। हीरापुरा बस टर्मिनल तक मेट्रो चलाने के दिए संकेत, विकास कार्यों का किया निरीक्षण। कांग्रेस के 22 नेताओं ने अपनों को ही चुनाव हरवाया। अनुशासन समिति ने की एक्शन की सिफारिश, प्रदेश अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपी। राजस्थान में सस्ती हो सकती है बजरी, नौ जिलों में 48 लीज के ऑक्शन की तैयारी, कीमत 1000 रुपये से नीचे आने की संभावना। राजस्थान में इस साल भी नहीं होंगे छात्र संघ चुनाव, मंत्री बोले न हम कराने वाले हैं न बंद करने वाले हैं, एबीवीपी की सरकार को चेतावनी। पेपर लीक की जांच, एसओजी ने अपने हाथ में ली। वन रक्षक भर्ती में पेपर लीक और पेपर प्राप्त करने वाले 11 आरोपी गिरफ्तार। पीपीएफ में हर महीने 500 का निवेश बनाएगा लाखपति, इसमें 7.1% ब्याज के साथ इनकम टैक्स छूट भी मिलेगा। सोना 710 रुपये बढ़कर 73,800 पर पहुंचा। 1 किलो चांदी 1600 रुपये बढ़कर 94,800 में बिक रही, 78,000 तक जा सकता है सोना। ओला कैब्स में गूगल मैप का इस्तेमाल बंद, कंपनी अब खुद के बनाए ओला मैप्स का यूज करेगी, इससे सालाना 100 करोड़ बचेंगे। केरल में दिमाग खाने वाले अमीबा का चौथा केस मिला, 14 साल का लड़का संक्रमित, 3 बच्चों की मौत नाक के जरिए शरीर में घुसता है। पहाड़ी इलाकों के लिए तैयार किया गया टैंक जोरावर, 25 टन वजन है, साल 2027 तक इंडियन आर्मी में शामिल किया जा सकता है। भारतीय खिलाफ T20 में सबसे छोटा स्कोर डिफेंड हुआ, 2024 में पहला मैच हारा भारत, अभिषेक डेब्यू पर डक बनाने वाले चौथे भारतीय। 75,000 नौकरियां, पेट्रोल डीजल सस्ता करने की तैयारी, बिग गिफ्ट थीम पर होगा राजस्थान का बजट, आयुष्मान में कवर होंगी महंगी इलाज वाली बीमारियां। अहमदाबाद में हिंदू संगठनों ने राहुल के पुतले जलाए, राहुल बोले मोदी अयोध्या से लड़ना चाहते थे, हार के डर से वाराणसी गए, वहां भी मुश्किल से जीते। कुलगांव में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकी मार गिराए, 2 जवान शहीद, 2 जगह चल रही है मुठभेड़। बजट 23 जुलाई को, सीतारमण लगातार 7वीं बार पेश करेंगी, ऐसा करने वाली पहली वित्त मंत्री होंगी। बजट 70 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा।